खुद मदद के मोहताज हैं। अल्लाह की तौहीद पे आ जा, इन मुर्दों को गौसे आदम ना समझ, जो अपने कपड़े ना उतार सके, जो अपना तहारत ना कर सके, जो अपना गुस्ल ना कर सके, जो बीवी रोती को चुप ना करा सके, जो रोते बच्चों को चुप ना करवा सके, अरे जो खुद चलकर कब्रिस्तान ना जा सके, जो कब्र की मिट्टी में उतर ना सके, जो अपनी कब्र पे मिट्टी डाल ना सके, इतने मजबूर थे कि लोगों के कंधों के सहारे खड़े थे, वो कब्र में दाखिल होने के बाद सबसे बड़े मददगार कैसे बन गए? बिल्कुल सही। गौसे आदम का माना क्या है? सबसे बड़ा मददगार। और धरती पे लोगों सुन लो, कायनात में सबसे बड़ा मददगार सिर्फ एक है, अल्लाह सुभान व तआला। और वो नहीं है जो मर के मिट्टी में दफन हो जाए, वो है जो सबको मारता है, उसे मौत नहीं आती। तुम कहते हो हमारा बाबा इंडिया का गरीब नवाज है, अरे अल्लाह की कसम, कायनात में गरीब नवाज दो नहीं है, गरीब नवाज एक है। अगर तुम्हारा ये बाबा गरीब नवाज है तो अल्लाह को क्या कहोगे? हम कहते हैं अल्लाह गरीब नवाज है। कैसे? दलील मांगो हमसे। वो माली कहता है अंतुमुल फुकरा, तुम सारे गरीब हो, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे मंगते हो, नबी वली अली गौस कुतुब जो तुमने बना रखे हैं, अपने बुजुर्गों को नाम दे रखे हैं गौस कुतुब के, सुनो ये सब अल्लाह के घर के फकीर है, सवाली है, मंगते हैं। गौसे आदम गरीब नवाज, बंदा नवाज, बंदा परवर, दाता अपने अरश पे है, वो धरती में दफन नहीं हुआ। अब अली भाई दुनिया के किसी भी हिस्से में तुम होगे, अल्लाह ताला तुम्हारा दुरूद मेरे तक पहुंचा देगा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुरूद पढ़ने के लिए भी मेला ना लगाना। वैसे तो दुरूद पढ़ना, वहां पे सलाम अर्ज करना, इस प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी नेकी नफली इबादत में अगर कोई है तो कब्र रसूल की हाजिरी है। बिल्कुल। लेकिन हुजूर ने कहा वहां पे भी मेला नहीं लगाना, बस सलाम अर्ज करो और चले जाओ। रसूलल्लाह ने अपनी कब्र के बारे में फरमाया, मुसनद अहमद में हदीस है, अल्लाहुम्म ला तजअल कब्री वसन युअबदु, अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग उसकी इबादत शुरू कर दें। रसूलल्लाह ने अपनी कब्र को बुत कह दिया। हमारे लिए तो इस प्लेनेट अर्थ पे रसूलल्लाह की कब्र मुबारक से ज्यादा कोई इज्जत और एहतराम वाली जगह नहीं है, कोई दुनिया की कब्र उसका मुकाबला नहीं करती। लेकिन नबी इस्लाम फरमा रहे हैं अगर उसके साथ भी कोई अकीदा मंसूब करोगे तो वो शिरकिया अकीदा है। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, सईदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा हमारी माँ कहती हैं कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे बीमारी के, वफात से कुछ अरसा पहले, आपको जब तकलीफ होती तो आप अपने चेहरा मुबारक से चादर को हटाते और बार बार एक जुमला बोलते, लअनल्लाहुल यहूद वन्नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और अम्मा आयशा के आगे अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि अगर हमें यह डर ना होता कि लोग रसूलल्लाह की कब्र पर सजदे शुरू कर देंगे तो हम रसूलल्लाह की कब्र को ज्यारत के लिए ओपन कर देते, यानी मैं अपने हुजरे की दीवार गिरा देती, जब जिसका दिल करे वो कब्र रसूल पे हाजिर होता। लेकिन हमें डर था कि रसूलल्लाह हमें डरा रहे थे। उधर तो उम्मा आयशा को किसी ने कहा कि शिर्क तो खत्म हो चुका है, उन्हें पता था कि बुखारी में हदीस मौजूद है। सईदना उमर कहते हैं मैंने रसूलल्लाह को मिंबर पर यह बात कहते हुए सुनी थी, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना, मुहम्मदन अब्दुहू व रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं। और अम्मा आयशा देखें वो कह रही है अगर ये डर ना होता कि लोग सजदे शुरू कर देंगे हम रसूलल्लाह की कब्र मुबारक को ज्यारत के लिए ओपन छोड़ देते। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, अम्मा आयशा ही उसकी राविया है, वो कहती हैं कि रसूलल्लाह की बीमारी के दिन चल रहे थे और आपकी दो बीवियां वहां पर मौजूद थी, यानी तीन बीवियां इकट्ठी हैं, सैयदा उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा, और वो आपस में बात करना शुरू हो गई और ये दोनों सीनियर असहाब में से हैं, इस हवाले से कि दोनों ने हिजरत हबशा भी की हुई है जो हिजरत मदीना से भी पहले की थी। तो वो जिक्र कर रही थी कि जब हम हबशा हिजरत करके गए थे तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा आपस में ये बात कर रही थी कि वहां हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था जिसमें तस्वीरें लटकी हुई थी और नबी इस्लाम तकलीफ की वजह से लेटे हुए थे, आप उस बीमारी के आलम में भी उठ गए। आपने कहा उनमें यही तो खराबी थी कि जब उनमें कोई नबी या नेक आदमी फौत हो जाता था वो उसकी कब्र के ऊपर तस्वीरें लटका देते थे और वहां पे सजदे शुरू कर देते थे, कयामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक बन के उभरेंगे। अल्लाहू अकबर। आपको ये ना समझे ये अगले लोगों की बात है, नहीं, अब वो हदीस जो मैंने पहले बयान की बुखारी मुस्लिम की वो दोबारा याद कर लें, तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे कदम ब कदम बालिश पर बालिश, हत्ता के उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तुम भी यही काम करोगे। और पूछा गया अगले लोग क्या यहूदो नसारा है, फरमाया वही तो हैं। और इसको ये हमारे डॉक्टर अशरफ जलाली साहब
वो कहते हैं ये फैशन के बारे में, ना पुरानियां गल्ला, पुराने बहाने, पुराने धोखे। तिर्मिज़ी में इसका शाने इरशाद मौजूद है, किस मौके पे हुजूर ने कहा, फैशन के ऊपर नहीं कहा, शिरकी एक्टिविटी पे कहा, जब साहबा ने कहा आप भी हमारे लिए एक दरख्त मुकर्रर कर दें जहां पे हम बरकत के लिए असला लटकाएं, तो आपने फरमाया तुमने वही बात की है जो मूसा के मानने वालों ने की थी, सूरतुल आराफ आयत नंबर 138 के खुदा का बुत मुकर्रर करते। किसी साहबी ने कहा कि दरख्त तो हम बरकत के लिए मांग रहे हैं, कोई पूजने के लिए नहीं मांग रहे, कोई हमने स्टैचू नहीं अल्लाह का बनाया, आप उसको उससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? किसकी जरूरत थी, इमामुल मुवाहिदीन के सामने बोलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चार किताबों में सही सनद के साथ है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, सुन कुबरा अल बई हकी में, फजलुस सलात अला नबी में, अल मौता इमाम मालिक में। अब्दुल्ला बिन उमर जब भी सफर पे जाते या वापस आते तो मस्जिद नबी में दो नफिल पढ़ते और कब्र रसूल पे आके अर्ज करते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर, यानी वो तीनों कब्रों पे जाते, अल्लाह के रसूल आप पे सलाम हो, अबू बकर आप पे सलाम हो, ए उमर आप पे सलाम हो, एक रवायत में या अबा था, ए मेरे बाप आप पे सलाम हो। तो वो अपनी जगह वो फजीलत है कब्र रसूल की हाजिरी, बिल्कुल कोई शक नहीं है, लेकिन उस कब्र के साथ इस तरह के अकीदे वाबस्ता करना, आप मुझे बताएं अगर कब्र रसूल का ये स्टेटस है कि आपने को अकीदा वाबस्ता नहीं करना, बाकी कब्र तो शाही कोई नहीं, ऐ जुमला हर जगह फिट होता जे, कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, कब्र रसूल सा है ही कोई नहीं, तेरे मजार थे शाही कोई नहीं, बिल्कुल सही बात, ठीक है कि नहीं, हर जगह ये फिट होती है बात। तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें जिन्होंने आपके काम आना है कयामत के दिन इंशाअल्लाह ताला, शफात के हमने हकदार होना है अगर नबी अलैहिस्सलाम की